नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बीकनेर, कन्नौज, सिरवा अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे जानलेवा हमले व हत्याओं को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। एटा जिले के अधिवक्ता नूतन यादव की गोली मारकर हत्या की गई एवं हत्या के विरोध में गुरुवार को तिरवा तहसील के अधिवक्ताओं ने हत्यारी की गिरफ्तारों की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने घटना में पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी महेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंप से सुरक्षा की मांग की। मामले को लेकर आप लोगों का प्रदर्शन जारी है। एटा में एक अधिवक्ता की कोतवाली के सामने चार गोलियां मार के निर्मम हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस प्रशासन ने कोई जागरूकता और सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया करवा पा रही है। पूरे प्रदेश में अभी दरवेश यादव हमारी बार काउंसिल के मेंबर की हत्या हुई, इसके बाद ये एटा में हत्या हुई। इस मामले में पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। इसलिए हम अधिवक्ता एकजुटता प्रदर्शित करते हुए पुलिस प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक प्रदर्शन चलेगा? ये वजह से अधिवक्ताओं के हितों पर सारे प्रदेश में जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, जिनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ दिनों पहले हमारे बार काउंसिल की मेंबर दरवेश यादव की गोलियों से हत्या कर दी गई। कल एटा में एक अधिवक्ता के मौके पर चार गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। कोतवाली के सामने गोली मार दी गई। ताज्जुब की बात यह है, इसमें पुलिस की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। अधिवक्ता अपनी रक्षा करना जानते हैं, अधिवक्ता अपना सम्मान बचाना जानते हैं। ये हमारे सम्मान की लड़ाई है साथियों। इस सम्मान की लड़ाई को सारे प्रदेश में बिगुल फूंका जाएगा और अधिवक्ताओं का सम्मान।